Hello friends, welcome to Tech Gurukul. In previous lecture we have studied about Quine McCluskey method. Previous lecture में हमने Quine McCluskey method किया था, जिसको हम tabular method भी कहते हैं. इस lecture में हम एक different example करेंगे. जल्दी से हम recall करते हैं कि previous lecture में हमने क्या किया था. ये एक minimization technique है. किसी भी logic expression को minimize करने के लिए हम different method use करते हैं. जैसे boolean algebra है, two या three variables हैं तो boolean algebra हम use करते हैं. उसके बाद k-map method है, up to 5 या 6 वेरिएबल तक हम kmap मेथड यूज करते हैं. यदि वेरिएबल ज्यादा है और कॉम्प्लेक्स डिजिटल सर्किट है तो उसके लिए हम टेबुलर मेथड यूज करते हैं, जिसको हम क्वीन मैक्लस्की मेथड कहते हैं, QM मेथड कहते हैं. उस टर्म हम यूज करेंगे इसमें, जैसे इंप्लिकेंट्स है, जो भी नंबर ऑफ वंस है उनको हम प्राइम इंप्लिकेंट मींस के लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप ऑफ वंस. यदि कोई भी हम ग्रुपिंग करते हैं तो उसमें जो भी पॉसिबल लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप ऑफ वन है उसको हम प्राइम इंप्लिकेंट बोलते हैं. उसके बाद एसेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट मींस के ऐसे प्राइम इंप्लिकेंट जिसके अंदर एक मिन टर्म्स ऐसी हो जिसको हम फर्दर कंबाइन नहीं कर सकते, दोज आर एसेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट. एक एग्जांपल देखते हैं जिससे हम इन टर्म्स को और अच्छी तरह से समझ पाएंगे. जैसे कोई के मैप दे रखा है, ये 1 है, यहां पर 1 दे रखा है, दिस इज 1, दीज आर द इंप्लिकेंट्स. अब इसको जब हम ग्रुपिंग करेंगे तो यहां पर जैसे मैक्सिमम 2 का ग्रुप हमारा बन रहा है यहां पर, तो जैसे ये 2 का ग्रुप है, ये 2 का ग्रुप है, ये 2 का ग्रुप है. सो जो लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप है वो 2 से ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2 मिन टर्म्स का ग्रुप है. सो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज प्राइम इंप्लिकेंट. प्राइम इंप्लिकेंट 1, दिस इज प्राइम इंप्लिकेंट 2, दिस इज प्राइम इंप्लिकेंट 3, दीज आर द प्राइम इंप्लिकेंट्स. ये ग्रुप देखते हैं, इस ग्रुप में ये जो 1 है इसको हम इस 1 के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं, और ये जो 1 है इसको और किसी भी तरीके से हम कंबाइन नहीं कर सकते, ना इस साइड में कंबाइन हो रहा है, ना यहां पे, ना यहां पे. सो ये जो ग्रुप 1 है इस ग्रुप को हम एसेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट्स बोलते हैं, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एसेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट. अब यहां पर ये ग्रुप है, इसमें इस 1 को हम इस तरह से कंबाइन कर सकते हैं दूसरी तरह, और ये जो 1 है इसको भी हम इस तरह से कंबाइन कर सकते हैं. इट मींस कि ये जो सेकंड ग्रुप है दिस इज नॉट एसेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट. अब उसी तरह से ये जो ग्रुप है इसमें इस 1 को हम इस तरह से कंबाइन कर सकते हैं, बट ये जो मिन टर्म है इसको हम और किसी भी तरह से कंबाइन नहीं कर सकते. सो दिस इज आल्सो एसेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट. तो इस तरह से इंप्लिकेंट्स, प्राइम इंप्लिकेंट्स एंड एसेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट्स को आप डिफर कर सकते हैं. सो ये टर्म्स हम इस एग्जांपल में, हम इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे. अब ये एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर 4 वेरिएबल्स हैं और यहां पर डोंट केयर कंडीशन दे रखा है. सो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इन सभी मेन टर्म्स का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे इंक्लूडिंग दिस डोंट केयर कंडीशन. इस डोंट केयर कंडीशन को भी हम इंक्लूड करेंगे इसमें. 0 1 2 3 4 5 6 आर डोंट केयर कंडीशन, 9 एंड 10. तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इनका बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है. दिस इज फॉर 0 1 2, इस तरह से हम बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे. तो स्टेप 1 में हमें क्या करना है, हमें ग्रुप बनाने हैं. ग्रुप हमें कैसे बनाने हैं, इन टर्म्स में नंबर ऑफ वंस के अकॉर्डिंगली हमें ग्रुप बनाने हैं. जैसे ग्रुप 0 हम यहां पर लिखेंगे. ग्रुप 0 मींस कि जिसमें नंबर ऑफ वंस 0 हैं. तो ऐसी एक टर्म है हमारे पास जिसके अंदर 0 वंस हैं, तो ये मिन टर्म्स क्या है, बेसिकली दिस इज 0. और इसका वेरिएबल हमें लिखना है कि इसके वेरिएबल कौन से हैं, दिस इज 0 0 0. 0 का बाइनरी इक्विवेलेंट हमें यहां पर लिखना है. सो ये ग्रुप 0 है, तो सिर्फ एक टर्म ऐसे जिसमें नंबर ऑफ वंस 0 है. उसके बाद इस ग्रुप को हम क्लोज करेंगे. उसके बाद फर्स्ट ग्रुप हम लिखेंगे यहां पर जिसके अंदर नंबर ऑफ वंस सिर्फ 1 है. ऐसी टर्म्स ये है हमारे पास, कौन सा है ये, 1, दिस इज मिन टर्म 1. उसके बाद 2 में भी 1 है, दिस इज 2. उसके बाद 4 में 1 है, दिस इज 4. उसके बाद बस दैट्स इट. अब इनका बाइनरी इक्विवेलेंट हम लिखेंगे यहां पर जो भी वेरिएबल है 1 का, 0 0 0 1. 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट 0 0 1 0. 4 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है वेरिएबल, 0 1 0 0. अब हम ग्रुप सेकंड हम लिखेंगे. ग्रुप सेकंड मींस कि जिसमें भी नंबर ऑफ वंस 2 हैं
उनको हम सेलेक्ट करेंगे. नंबर ऑफ वंस टू कहां पर है, यहां पर है, किसका है ये, थ्री के लिए है, उसके बाद फाइव है, उसके बाद सिक्स है, और उसके बाद नाइन, एंड आफ्टर दैट टेन. दिस इज टेन. तो इनका हम इक्विवेलेंट लिखेंगे यहां पर. दिस इज थ्री का इक्विवेलेंट क्या है, जीरो जीरो वन वन. फाइव का इक्विवेलेंट जीरो वन जीरो वन. सिक्स का इक्विवेलेंट जीरो वन वन जीरो. नाइन इज वन जीरो जीरो वन. टेन इज वन जीरो वन जीरो. तो इस तरह से हमें ये स्टेप वन करना है, जिसमें हम ग्रुपिंग करेंगे नंबर ऑफ वंस के अकॉर्डिंगली, कि कहां पर जीरो नंबर ऑफ वंस है, कहां पर वन है, कहां पर टू है, इस तरह से. अब जो सेकंड स्टेप है उसके अंदर हमें पेयरिंग करनी है इन मिन टर्म्स की. जैसे ये कोई nth मिन टर्म है, इसकी जो पेयरिंग होगी वो n प्लस वनथ जो भी मिन टर्म है उसके साथ हम करेंगे. उसके बाद इस n प्लस वनथ मिन टर्म की n प्लस टूथ मिन टर्म्स के साथ होगी. जैसे यहां पर जीरो है, ये वन है, टू है, तो इसकी ग्रुपिंग हम वन के साथ करेंगे और वन की ग्रुपिंग देन टू के साथ करेंगे. तो अब इसकी ग्रुपिंग करेंगे हम. मैच्ड पेयर हमें कैसे करना है, मैच पेयर कैसे बनेगा, जब भी दो टर्म्स को हम मैच करेंगे उसमें सिर्फ एक बिट हमारी वेरी करनी चाहिए, उसको हमें मैच करना है. इफ द बिट्स मोर देन वन वेरी करती है तो हम उसको मैच नहीं करेंगे, दैट विल बी नॉट ए मैच्ड पेयर. इस ग्रुप की जो मैचिंग है वो वन ग्रुप के साथ होगी. जो इसके अंदर मेन टर्म्स हैं वन बाय वन हम इसके अंदर मैच करेंगे. जैसे ये दो मेन टर्म को हम मैच करें तो इनके अंदर एक बिट का वेरिएशन है. कौन कौन सी टर्म है ये, दिस इज जीरो एंड वन. इसके अंदर जीरो किसके बराबर है, जीरो, एंड वन किसके बराबर है, दिस इज वन. सो एक बिट का वेरिएशन है, एक बिट का वेरिएशन है तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, जहां पर भी बिट वेरी करेगी उसको हम अंडरस्कोर या डैश से हम रिप्रेजेंट करते हैं. सो जो भी फर्स्ट मैच्ड पेयर बना वो जीरो एंड वन मिन टर्म का बना, और उसका रिजल्ट क्या लिखेंगे हम, जीरो जीरो डैश, जीरो 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 डैश. उसके बाद इस जीरो को हम टू के साथ मैच करेंगे, जीरो और टू के साथ. देखो मैच हो रहा है, यहां पर सिर्फ एक बिट वेरी करती है. जीरो किसके बराबर था, दिस इज जीरो, एंड टू किसके बराबर है, यहां पर ये बिट सेम है, ये बिट सेम है, ये बिट वेरी कर रही है, ये भी सेम है. इट मींस के एक बिट वेरी कर रही है तो ये दिस इज मैच्ड पेयर. सो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, जीरो जीरो डैश, यहां पर जीरो. सो मैच्ड पेयर क्या रहेगा, जीरो टू, और इसके लिए हम क्या लिखेंगे, जीरो जीरो डैश जीरो. उसके बाद इस जीरो को हम फोर के साथ मैच करेंगे, जीरो को फोर के साथ मैच करेंगे. सिर्फ एक बिट का वेरिएशन है यहां पर. जीरो और फोर को जब हम मैच करेंगे तो ये जीरो है और दिस इज फोर. ये बिट सेम है, ये सेम है, ये सेम है, तो सिर्फ एक बिट वेरी कर रही है हमारे यहां पर. तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, जीरो डैश जीरो जीरो. किसका है ये ग्रुप, जीरो फोर का मैच पेयर है ये, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, जीरो डैश जीरो जीरो. सो इन दोनों की इस तरह से हम पेयरिंग की है. तो ये अब इसके बाद हम वन टू के लिए इसी तरह से पेयरिंग करेंगे. इसको हम यहां पर क्लोज कर देते हैं. इसी तरह से यहां पर अब इस मिन टर्म को लेंगे फर्स्ट को, और इसको किससे मैच करेंगे, यहां पर थर्ड के साथ. वन एंड थ्री को हमें मैच करना है. सो वन एंड थ्री के अंदर एक बिट का वेरिएशन है वन एंड थ्री. वन किसके बराबर है, जीरो 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 वन, और थ्री किसके बराबर है, जीरो जीरो वन वन. ये बिट सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये बिट वेरी कर रही है. इट मींस के यहां पर क्या लिखेंगे हम, जीरो जीरो, जो बिट वेरी करती है उसकी जगह पे क्या आएगा, डैश, एंड ये वन एज इट इज आएगा. सो इस ग्रुप में क्या लिखा हमने, वन एंड थ्री को मैच किया हमने. वन एंड थ्री का मैच पेयर है, और इसके लिए क्या लिखा रिजल्ट हमने, जीरो जीरो डैश वन. उसके बाद इस वन को हम फाइव के साथ मैच करेंगे यहां पर. इन दोनों में भी हम चेक करें, वन एंड फाइव के साथ. वन किसके बराबर है, जीरो 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 वन, और फाइव किसके बराबर है, जीरो वन जीरो वन. सो दिस इज सेम सेम, ये एक बिट वेरी करती है, तो इसका मैच पेयर बनेगा जीरो डैश जीरो वन. किसका मैच पेयर है, वन एंड फाइव का, क्या रहेगा यहां पर, जीरो
डैश 01 ये जो भी हमने निकाला है, उसके बाद इस 1 को फिर हम 6 के साथ मैच करेंगे कि 6 के साथ मैच हो रहा है, यानी 1 किसके बराबर है 0 1 0 0 0 1 और किसके साथ करना है 6 के साथ में करना है 0 1 1 0 सो ये भी डिफरेंट है ये भी डिफरेंट तो इसका मैचिंग नहीं होगी। उसके बाद हम 1 को 9 के साथ करेंगे 1 एंड 9 0 0 0 1 9 किसके बराबर है 1 0 0 1 तो यहां पर ये बिट सेम है ये सेम है ये सेम है सिर्फ एक बिट वेरी कर रही है तो यहां पर डैश 0 0 1 आ जाएगा तो ये किसकी मैचिंग है 1 एंड 9 की। यहां पर क्या लिखेंगे हम डैश 0 0 1 यहां पर हमें क्या करना है जो भी टर्म हमारी मैच पेयर में इंक्लूड है उसको हम टिक करेंगे जैसे ये 0 टर्म यहां पर इंक्लूड है उसके बाद 0 1 के साथ है उसके बाद 0 2 के साथ इंक्लूड है 0 4 के साथ इंक्लूड है ये टर्म हमारी यूज हो चुकी है तो यहां पर हम इसको टिक करेंगे। उसके बाद 1 3 ये 3 टर्म यूज हो चुकी है उसके बाद 1 5 भी यूज हो चुका है उसके बाद 1 9 यूज हुआ है 6 यूज नहीं हुआ है। उसके बाद 1 9 के बाद हम 1 10 को मैच करेंगे 1 10 मींस ये 1 है और 10 है 1 इज 0 0 1 एंड 10 इज 1 0 1 0 तो ये बिट डिफर कर रही है ये भी कर रही है तो इट मींस के इसका पेयर नहीं बनेगा 1 10 का। इस 2 को हम 3 के साथ मैच करेंगे यहां पर 2 एंड 3 दिस इज 0 0 1 0 एंड 3 0 0 1 1 तो यहां पर सिर्फ एक बिट का वेरिएशन है तो हम क्या लिखेंगे 0 0 1 डैश सो यहां पर ये 2 एंड 3 का मैचिंग है यहां पर तो क्या आ जाएगा 0 0 0 0 0 1 डैश। उसके बाद इस 2 की मैचिंग हम करेंगे 5 के साथ 2 एंड 5 को हम चेक करेंगे 2 किसके बराबर 0 0 1 0 एंड 5 इज 0 1 0 1 तो ये भी डिफर कर रहा है ये भी डिफर तो 2 एंड 5 का पेयर नहीं बनेगा। उसके बाद हम 2 को 6 के साथ मैच करेंगे 2 एंड 6 0 0 1 0 6 क्या है दिस इज 0 1 1 0 ये सेम है ये सेम है एक बिट का वेरिएशन है तो इसका ग्रुप बनेगा 2 एंड 6 का इसके लिए हम क्या लिखेंगे 0 और 0 1 की जगह क्या आ जाएगा डैश 1 0 दिस इज 0 डैश 1 0 सो ये 6 बिट टर्म हमारी यूज हो चुकी है। उसके बाद 2 का 9 के साथ हम चेक करेंगे 2 एंड 9 2 किसके बराबर है दिस इज एंड 9 1 0 0 1 ये बिट चेंज है ये बिट चेंज है इट मींस कि इसका पेयर नहीं बनेगा। उसके बाद 2 को हम 10 के साथ हम चेक करें 2 एंड 10 2 क्या है 0 0 1 0 और 10 क्या है 1 0 1 0 ये सेम है ये सेम है सेम है सिर्फ एक बिट का वेरिएशन है तो यहां पर क्या आ जाएगा डैश 0 1 0 2 एंड 10 के लिए ये 10 हम यूज कर चुके हैं इसको टिक करेंगे हम 2 10 के लिए क्या बनेगा डैश 0 1 0 डैश 0 1 0। इसके बाद इस 4 को हम मैच करेंगे फिर ये 4 टर्म है 2 की टर्म सारी यहां पर फिनिश हो चुकी हैं अब इस 4 को मैच करेंगे 4 एंड 3 आएगा पहले 4 किसके बराबर है 0 1 0 0 3 इज 0 0 1 1 ये भी चेंज ये भी चेंज ये भी चेंज तो इसका ग्रुप नहीं बनेगा। उसके बाद 4 3 का ग्रुप था ये उसके बाद 4 को हम 5 के साथ मैच करेंगे 4 5 4 इज 0 1 0 0 5 इज 0 1 0 1 सो ये सेम है ये सेम है ये सेम है सिर्फ एक बिट वेरी कर रहे हैं तो इसका ग्रुप बनेगा 0 1 0 डैश ये पेयर क्या रहेगा दिस इज 4 5 और क्या रहेगा 0 1 0 डैश। उसके बाद 4 को हम किससे करेंगे 6 से करेंगे 4 एंड 6 क्या आ जाएगा यहां पर 0 1 0 0 6 किसके बराबर है 0 1 1 0 सो ये सेम है ये सेम है सिर्फ एक बिट वेरी करे तो ये ग्रुप बनेगा यहां पर 0 1 0 1 की जगह क्या आ जाएगा डैश एंड 0 तो ये दिस इज 4 6 0 1 डैश 0। उसके बाद हम 4 और 9 को ग्रुप करेंगे 4 और 9 को हम मैच करेंगे 0 1 0 0 एंड 9 इज 1 0 0
वन, ये भी वेरी कर रहा है, ये भी वेरी, इट मींस कि ये ग्रुप नहीं बनेगा, मैच पेयर नहीं होगा ये। उसके बाद हम फोर को टेन से मैच करेंगे, फोर एंड टेन को जीरो वन जीरो जीरो एंड दिस इज वन जीरो वन जीरो, इसमें भी थ्री बिट्स वेरी कर रही हैं, तो इट मींस कि इसका ग्रुप भी नहीं बनेगा, फोर का टेन के साथ भी नहीं बनेगा, तो यहीं तक ग्रुपिंग हमारी रहेगी। इसके बाद ये सारी टर्म हमारी फिनिश हो गई। ये था कि हमने इस स्टेप टू में क्या किया है, हमने टू मिन टर्म्स के ग्रुप बनाए हैं। अब इसके बाद थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, फोर मिन टर्म्स के हम ग्रुपिंग करेंगे, फोर मिन टर्म्स को मैच करेंगे कि उसके मैच्ड पेयर क्या आते हैं बेसिकली। तो इस थर्ड स्टेप में हम फिर से वही करेंगे, एक टर्म को हम लेंगे और बारी बारी सबके साथ हम मैचिंग करेंगे इसकी। बट इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, एक की को हम चेक करने, इंडिविजुअली हम चेक करने की बजाय हम क्या देखेंगे कि यहां पर इस जैसे जीरो वन को हमें मैच करना है, जिससे भी फर्स्ट टर्म को हम लेंगे इस टर्म को, तो इस टर्म को जिससे भी हमें मैच करना, तो हम इन टर्म्स में हम चेक करेंगे कि ये डैश जो डी के ऊपर डैश है वो किस टर्म में है। तो हम देखते हैं कि यहां पर ये डी पे डैश है, तो इनको देखते हैं कि ये मैच होता है या नहीं। डैश सेम वेरिएबल पे है तो ये क्या है बेसिकली जीरो वन, इसके लिए क्या लिखा हुआ जीरो 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 डैश, और यहां पर क्या है टू थ्री के लिए दिस इज टू थ्री जीरो जीरो वन डैश जीरो जीरो वन डैश। तो यहां पर सिर्फ एक वेरिएबल चेंज है, वेरी करता है, एक बिट वेरी करती है, तो इट मींस के इसका पेयर बनेगा जीरो जीरो और जीरो वन की जगह हम क्या लिखेंगे डैश एंड ऑलरेडी डैश है, तो ये पेयर हमारा जीरो वन का किसके साथ बना, यहां पर जीरो वन का पेयर बना हमारा टू थ्री पे टू थ्री, और रिजल्ट क्या है जीरो जीरो डैश डैश जीरो जीरो डैश डैश। उसके बाद हम फिर से चेक करेंगे और किसी टर्म में यहां पर डैश है डी पे, इस टर्म में है, इन टर्म्स को हम फिर से मैच करके देखेंगे इसके साथ क्या है ये जीरो जीरो दिस वन जीरो वन जीरो वन क्या है जीरो 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 डैश है ये, और ये टर्म क्या है हमारे पास दिस इज जीरो वन जीरो डैश जीरो वन जीरो डैश, ये कौन सी टर्म है फोर फाइव। तो इस तरह से इनको मैच करके हम देखें, ये सेम है ये डिफर, ये सेम, तो एक बिट डिफर करे तो इसका मैच्ड पेयर बनेगा, तो ये क्या रहेगा जीरो जीरो वन की जगह यहां डैश आ जाएगा जीरो डैश, तो इसका रिजल्ट हम क्या लिखेंगे यहां पर, इनका पेयर है किसका है जीरो वन एंड फोर फाइव, क्या रिजल्ट है जीरो डैश जीरो डैश जीरो डैश जीरो डैश। उसके बाद यहां पर डी पे जो डैश है और कहीं नहीं है, इट मींस कि इसका और कोई पेयर नहीं बनेगा। इस तरह से अब नेक्स्ट टर्म लेंगे जीरो टू, अब हम जीरो टू टर्म लेंगे इस टर्म को, इस टर्म में यहां सी पॉइंट पे डैश है, ये अंडरस्कोर है सी पॉइंट पे, अब हम देखेंगे सी पे कहां कहां है, ये टर्म है वन थ्री, सो हम इस जीरो टू और वन थ्री को मैच करेंगे जीरो टू, जीरो टू क्या है हमारे पास जीरो टू क्या है जीरो जीरो डैश जीरो, अब जहां पर सी पर डैश है इसमें डैश है वन थ्री पे, तो इसको हम मैच करके देखेंगे जीरो जीरो डैश वन जीरो जीरो डैश वन, सिर्फ एक बिट का वेरिएशन तो ये पेयर बनेगा जीरो जीरो डैश डैश, सो हम यहां पर क्या लिखेंगे जीरो टू जीरो टू एंड वन थ्री, इसका ये पेयर बना है, क्या रिजल्ट आया जीरो जीरो डैश डैश जीरो जीरो डैश डैश, सो इस वन थ्री को भी हमने इंक्लूड किया है। अब इस जीरो टू को और हम चेक करेंगे सी पे कहां डैश है, इन टर्म्स के अंदर सी पे डैश है इस टर्म के फोर सिक्स पे, तो हम इसको फिर मैच करके देखेंगे जीरो टू को, जीरो टू किसके बराबर है जीरो जीरो डैश जीरो, और यहां पर सी पर ये डैश है तो इससे मैच करके देखेंगे किससे फोर सिक्स से, फोर सिक्स पे क्या जीरो वन डैश जीरो, सो ये सेम है ये सेम है, ये वेरी कर रही है एक बिट, ये सेम है ये सेम है, सो एक बिट का वेरिएशन है तो ये मैच पेयर होगा, इसका रिजल्ट क्या रहेगा जीरो डैश डैश जीरो, सो इसको हम लिखेंगे जीरो टू फोर सिक्स, तो ये फोर सिक्स टर्म भी हमारी यूज होगी, इसको हम टिक कर देंगे यहां पर, इसका रिजल्ट क्या रहा जीरो डैश डैश जीरो, और कहीं भी कोई किसी टर्म पे
सी पे डैश नहीं है तो 02 के साथ और किसी का मैच नहीं होगा। अब हम इस 04 को चेक करेंगे, 04 में यहां पर बी पॉइंट पे डैश है, तो यहां पर बी पॉइंट पे डैश कहां है, इस 15 पे है, तो 15 के साथ इसको मैच करके हम देखेंगे 04 को, 04 क्या है, 0-00 और मैच किससे करें, 15 0-01 0-01, ये क्या है 15 टर्म है, ये 15, सो ये टर्म सेम, ये सेम, ये सेम, ये वेरी कर रही है, तो ये मैच्ड पेयर होगा 0-0 और 01 की जगह क्या लगाते हैं डैश, सो इसको हम टिक करेंगे, ये क्या ग्रुप रहेगा 04 और 15 ये पेयर रहेगा, तो इसका रिजल्ट क्या रहा है 0-0-0-0। इसके बाद इसको हम और चेक करेंगे कि कहीं पर इस B पे डैश और किस टर्म पे है, यहां पर, यहां है 26 पे, तो इसको हम चेक करेंगे किसको, 04 एंड 26 को, 04 क्या है, दिस इज 0-00 एंड 26 इज 0-10 सो ये टर्म सेम है, ये सेम है, ये डिफर है एंड दिस इज सेम, तो इसका मैच्ड पेयर बनेगा ये 0, दिस इज डैश, ये यहां पर डैश आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा, सो इस पेयर के लिए हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, दिस इज 04 एंड 26, सो यहां पर हम क्या लिखेंगे 0-0। तो इस तरह से हम, हमने क्या टर्म यूज की, दिस वन। अब इसके बाद यहां पर इसको हम चेक करें कि B पे कहीं भी और कहीं डैश नहीं है, तो इट मींस के और कोई भी पेयर नहीं बनेगा, ये फाइनल पेयर था। अब इस स्टेप टू में हम चेक करें कि कौन से मैच्ड पेयर हमने यूज नहीं किया है, सो हमने ये मैच्ड पेयर यूज नहीं किया है, उसके अलावा ये मैच्ड पेयर यूज नहीं किया, इट मींस कि इनकी फर्दर पेयर, तो ये ऑलरेडी प्राइम इंप्लीकेंट्स है और मैक्सिमम ग्रुप इसका नहीं बन रहा है, तो इसका हम इक्विवेलेंट लिखेंगे, यहां पर क्या इक्विवेलेंट आ जाएगा 001 का, B बार C बार D, बिकॉज B की जगह यहां पर क्या है 0, C0 एंड D1, तो B बार C बार D, और इसके लिए हम क्या लिखेंगे, B0 है तो B बार C D बार, सो ये ऑलरेडी प्राइम इंप्लीकेंट्स हमारे पास दो हैं। अब इस स्टेप थ्री में जो भी हमारी टर्म्स यहां पर आई हैं, इसके इक्विवेलेंट हम यहां पर लिखेंगे, दिस इज 00 है ए बी पे, तो यहां पर क्या आ जाएगा A बार B बार, और यहां पर A बार C बार, यहां पर A बार B बार, दिस इज A बार एंड D बार, यहां पर A बार C बार और यहां पर A बार D बार, तो इस तरह से हमने ये प्राइम इंप्लीकेंट्स यहां पर लिख लिए। अब हम स्टेप फोर में एक टेबल बनाएंगे जो प्राइम इंप्लीकेंट्स की टेबल होगी, यहां पर इस कॉलम में हम प्राइम इंप्लीकेंट्स लिखेंगे, उसके बाद उन प्राइम इंप्लीकेंट्स के अकॉर्डिंगली जो भी मिन टर्म्स इन्वॉल्व्ड है उनको हम यहां पर लिखेंगे, और ये जो मिन टर्म्स है जो ऑलरेडी हमें गिवन है यहां पर वो हमने लिखे हैं 0, 1, 2, 3, 9 एंड 10। इसमें हमें ध्यान रखना है यहां पर हमें डोंट केयर कंडीशन जो भी है वो हमें यहां पर नहीं लिखनी है, स्टेप फोर में फाइनल टेबल जो प्राइम इंप्लीकेंट्स के लिए बनाएंगे, सो जितने भी प्राइम इंप्लीकेंट्स हैं अब हम उनको लिखते हैं यहां पर, जैसे ये B बार C बार D है फर्स्ट, दिस इज B बार C बार D, और इसमें मिन टर्म्स इन्वॉल्व कौन सी है 1 एंड 9, तो यहां पर हम 1 एंड 9 लिख देंगे। उसके बाद सेकेंड क्या है B बार C D बार, इसके लिए मिन टर्म्स कौन सी है 2 एंड 10। उसके बाद यहां पर देखेंगे दिस इज A बार B बार, इसकी मिन टर्म्स कौन सी है 0, 1, 2, 3। उसके बाद A बार C बार, इसके लिए मिन टर्म्स कौन सी है 0, 1, 4, 5। उसके बाद A बार B बार ऑलरेडी आ चुका है यहां पर, उसके बाद नेक्स्ट क्या है A बार D बार, इसके लिए मिन टर्म्स कौन सी है 0, 2, 4, 6। सो A बार C बार ऑलरेडी आ चुका है, A बार D बार ऑलरेडी आ चुका, तो ये फाइनल प्राइम इंप्लीकेंट्स हैं और ये इनके मिन टर्म्स इन्वॉल्व हैं। अब इनके अकॉर्डिंगली यहां पर हम क्रॉसेस लगाएंगे इन कॉलम्स के अंदर, जो भी
इनवॉल्व मीन टर्म्स हैं, जैसे यहां पर 1 एंड 9 है तो 1 पे क्रॉस लगाएंगे एंड 9 पे क्रॉस लगाएंगे, उसके बाद 2 10 है यहां पर 2 2 पे क्रॉस एंड 10 पे, देन इसमें 0 1 2 3 0 1 2 3 देन 0 1 4 5 0 1 4 एंड 5 आर डोंट केयर कंडीशंस, सो 0 2 4 6 दिस इज 0 दिस इज 2। अब हमने क्या करना है, यहां पर हमने देखना है कि जो उनसे सिंगल वंस है यहां पर, जो अब इन कॉलम्स को हम चेक करेंगे, जहां पर भी सिंगल क्रॉस है उसको हम मार्क करेंगे, ये सिंगल क्रॉस है यहां पर, ये सिंगल क्रॉस है यहां पर, ये सिंगल क्रॉस है यहां पर, सो ये जितने भी सिंगल क्रॉसेस हैं दीज आर एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट्स, सो इनको हम क्या करेंगे यहां पर, इस पे हम चेक करेंगे, जैसे ये यहां पर 9 पे क्रॉस है तो इस रो में जो भी क्रॉसेस हैं यहां पर इनको हम चेक करेंगे इस तरह से, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, y इज इक्वल टू इसके इक्विवेलेंट क्या b बार c बार d एक टर्म आ जाएगी, उसके बाद ये यहां पर सिंगल क्रॉस है, इस सिंगल क्रॉस की यदि इस रो को हम चेक करें तो ये यहां पर आएगा, दिस इज b बार c d बार। अब ये जो क्रॉस था इस क्रॉस को हमें पैरेलली भी देखना है यहां पर, कि ये जितने भी क्रॉसेज हैं ये सब के सब चेक होने चाहिए आपस में, जैसे इस क्रॉस से इस कॉलम में ये चेक हो रहे हैं। अब ये जो क्रॉस था इस क्रॉस से यदि हम कॉलम वाइज देखें तो ये भी यहां पर हमारे चेक हो रहे हैं, और इसके बाद ये है हमारे पास, तो इसको हम इस साइड में देखेंगे तो ये कॉलम क्या है, ए बार बी बार, और इस साइड में ये सारे के सारे क्रॉसेज चेक हैं। इट मींस कि जितने भी क्रॉसेज हैं इसमें वो सारे मिन टर्म्स के अकॉर्डिंगली और वो सब के सब चेक्ड होने चाहिए, देन जो भी एक्सप्रेशन आएगा वो हमारा मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन होगा। अब इसको हम कंपेयर करते हैं के मैप मेथड से कि हमारा रिजल्ट यही आता है या नहीं आता है। सो ये फोर वेरिएबल के मैप हमने बनाया है यहां पर, ये 16 ब्लॉक्स हैं यहां, दिस इज यहां पर हम एमएस भी लेते हैं, यहां पर एलएस भी लेते हैं, ए बी सी डी। अब ये दिस इज 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। अब इसको फिल करेंगे के मैप को, क्या है 0 0 में 1 फिल किया, 1 2 3 9 एंड कॉलम कौन सा है, दिस इज 9, उसके बाद 10 दिस इज 10, उसके बाद डोंट केयर का है 4 5 6 दिस इज 4 5 एंड 6। तो इस तरह से हमने के मैप फिल कर दिया। अब इसमें हम ग्रुपिंग करेंगे कि ग्रुपिंग कहां पे हो रही है, जैसे ये लार्जेस्ट जो ग्रुप है ये 4 का है, 4 से लार्जेस्ट ग्रुप कोई नहीं बन रहा यहां पर, तो इसका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, इसका इक्विवेलेंट आएगा y इज इक्वल टू ए बार बी बार, बिकॉज यहां पर 0 0 है तो ए बार बी बार यहां पर आ जाएगा। उसके बाद क्या बचा हमारे पास, ये वंस है जिनको हमें ग्रुपिंग करनी है, इस 1 को हम ग्रुप कर सकते हैं इस 1 के साथ, तो क्या आ जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है 0, तो यहां पर क्या आएगा प्लस बी बार, और इस लाइन में क्या है सी बार डी, सी बार डी, तो ये बी बार सी बार डी आ गया, एंड ए बार बी बार यहां पर आया था हमारा। उसके बाद इनको ये जो 1 है इसको ग्रुप करेंगे हम इसके साथ, तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज इस डायरेक्शन में क्या है यहां पर, क्या कॉमन है यहां पर बी बार, दिस इज बी बार, एंड इस साइड में सी डी बार, सी डी बार। तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं दोनों रिजल्ट्स को। सो ये टेबुलर मेथड है, क्वीन मैक्लस्की मेथड है, जो मिनिमाइजेशन टेक्निक है बेसिकली, जिसमें मैक्सिमम वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं। ये हमने 4 वेरिएबल लिया है ताकि आपको इजीली मेथड समझ में आए। इसी तरह से आप कितने भी वेरिएबल्स को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। इसमें कोई आपको सजेशन है, कोई क्वेरीज है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू फ्रेंड्स।